गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह ही दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही कुछ ऐसी है। आपका नेक्स्ट का बटन काम नहीं कर रहा, किसी का जो रिकॉर्डिंग का बटन काम नहीं कर रहा, किसी को रिकॉर्ड करके डाल देते हैं तो वो अपलोड नहीं हो रहा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ये आपने भी देखा होगा। देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करना क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने वाला है। ट्रैफिक यानी कि बहुत सारे लोग, अभी इस टाइम ये हो रहा है 1000-2000 से भी ज़्यादा, लगभग मुझे ऐसा लगता है 20-30 हज़ार लोग एक साथ फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो एप्लीकेशन है उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो क्रैश हो चुका है। जो आईटी फील्ड से हैं, जो टेक्निकली थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको पता चल गया होगा मैं क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो फॉर्म है वो क्रैश हो चुका है टेक्निकली, जिसकी वजह से कभी आपका नेक्स्ट का बटन काम नहीं कर रहा, कभी रिकॉर्डिंग का काम नहीं कर रहा, कभी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड हो जाती है, किसी किसी का अपलोड होने से पहले ही दिखा देता है कि भाई हाँ आपका सक्सेसफुल हो चुका है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही था, एक तो आपको पहले फॉर्म फिल करना था, कोई बात नहीं, नहीं किया बाय चांस रह गया होगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अभी हमारे पास टाइम है ज़्यादा, ऐसा नहीं कि भाई मतलब टाइम ही निकल गया है, आज 1 तारीख है 2 है 3 है 3 दिन का टाइम है आपके पास, तो आराम से फॉर्म फिल करिए और कोशिश करिए या तो कल सुबह मॉर्निंग में करना बखत से, या फिर आप रात को करना तो हो जाएगा। नहीं तो आप बार बार ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपका गलत फील हो जाए, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। मैंने जो वो वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन मैंने सबसे पहले फॉर्म फिल करने की कोशिश करी, इसलिए मेरे सारे नेक्स्ट के बटन सारे सब कुछ सही से काम कर रहे थे। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में कर लिया उनका हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया। अब चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फिल करना है, मैं देखता हूँ ट्राई करने का मेरा होता है या फिर नहीं। और अभी कुछ कमेंट्स आपके लेते हैं कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, देखते हैं। मोस्टली जो कमेंट्स है ना आप लोगों के, वो यही है कि भाई नेक्स्ट का बटन काम नहीं कर रहा, नेक्स्ट का बटन काम नहीं कर रहा। अब मैं क्या काम करूँगा, अपने पीसी से फॉर्म फिल करूँगा। हालांकि आप फ़ोन से करेंगे या पीसी से करेंगे बात वही रहने वाली है। मैंने इधर सोनी एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, मैं चलता हूँ सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये रहा सोनी लिव एप्लीकेशन, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, कुछ इस तरह से आपके फ़ोन में भी खुला होगा। उसके बाद ये आपको स्लाइड करना है, मैं इसको स्लाइड करता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैं इस तरह से स्लाइड कर रहा हूँ, इसको अभी भी नहीं आया। हाँ, ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है। इसको मैं ऑडिशन नाउ पे क्लिक करता हूँ और ये फॉर्म सामने आ चुका है। ऑडिशन पे करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, ये पूरा फॉर्म मैं फिल कर देता हूँ। सबसे पहले अपना नेम, मैं इधर नेम लिख देता हूँ KESHAV। ओके, हाँ ये लिख दिया मैंने। इधर डेट ऑफ बर्थ, देखो गाइज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप हर बार डेट ऑफ बर्थ अलग बताते हो, तो मैं ऐसे ही भर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जेंडर मेल, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मैं ऐसे ही रैंडम डाल रहा हूँ, इधर आपको अपना ही नंबर डालना है। और ये रैंडम नंबर है, ये मैं सोचना कि भाई ये मेरा नंबर है कहीं कॉल कर दो, ये रैंडम डाला है, चलो इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो यार पता नहीं किसके पास चला जाएगा। तो ऐसे कुछ रैंडम लगा देते हैं, वो मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि पता नहीं यार रैंडम नंबर भी लग जाते हैं, इसीलिए आप कहीं कुछ उनको बोल दो, इसलिए हटा देता हूँ मैं। इधर ईमेल आईडी, ये मैंने डाल दिया इधर। उसके बाद इधर डालते हैं स्टेट, इधर मैं डालता हूँ उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद सिटी डालते हैं, सिटी गाइज इधर बरेली का ऑप्शन आ नहीं रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर आप क्या काम करना, आप अपनी जो भी नियरेस्ट पड़ती है सिटी जिसको आप जानते हैं वो आप इधर डाल सकते हैं। मुझे दिखा नहीं और मुझे फॉर्म भी जल्दी फिल करना था क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट के बटन ये सब प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए मैं इधर डाल देता हूँ जो जिस सिटी को मैं जानता हूँ। इधर बरेली का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं तो भाई बरेली में रहता हूँ अभी फ़िलहाल, तो इधर तो कोई ऑप्शन मुझे मिला नहीं। ये मैं कानपुर डाल देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। देखो मेरा नेक्स्ट का बटन काम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मैंने जो वीडियो शूट कर ली थी पहले ही, मैंने पीसी से भी शूट कर ली थी। इधर आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि भाई आपने किसी भी सिंगिंग शो के अंदर कभी पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं, अगर किया है तो यस लिखिए, नहीं किया तो फिर नो। उसके बाद भाई मैं तो नो लिख देता हूँ, मुझे लगता है मोस्टली लोगों ने नहीं किया है, नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है भाई आपने कहीं कोई साइन वाइन तो नहीं कर रखा कि भाई हम आपको लें और फिर आप मना कर दो, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। इस पे आपको नो ही रखना है।
उसके बाद आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, अगर यस करोगे तो नीचे ऑप्शन देना पड़ेगा, नो करोगे तो नेक्स्ट चले जाओगे। कौन सी लैंग्वेज में आप सिंगिंग करोगे तो फिर इधर आपको हिंदी लिख देना है, आप अपनी मनपसंद भी लिख सकते हैं भाई जिस लैंग्वेज में आपको आती है। उसके बाद आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो यस, उसके बाद नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं आ चुका है। रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सब अलो कर देना है आपको और अब आपके पास ये पूरा रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया। इस पर करते हैं तो दो ऑप्शन आएंगे, फाइल पे जाएंगे तो आपने जो वीडियो दो बनाई है वो ऑप्शन आ जाएगा, कैमरे पे जाएंगे तो आप तुरंत रिकॉर्ड कर सकते हैं। अरे यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास कोई ऐसा है ही नहीं वीडियो जो मैं अपलोड कर सकूं, क्योंकि मुझे तो फॉर्म अप्लाई नहीं करना, लेकिन आप तो सिंगर हैं, आपने ज़रूर बनाई होंगी। अब मैं क्या अपलोड करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं एक बार अपनी कोई पुरानी वीडियो कहीं पड़ी हो जो 50 MB के आसपास हो उसी को अपलोड करता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं ये इंडियन आइडल वाली ही वीडियो अपलोड कर देता हूं, इन्हीं की वीडियो इन्हीं को चेप देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। फिर से दो वीडियो अपलोड करनी है, मैं फिर से वही अपलोड कर देता हूं, क्योंकि देखो मेरे पास है नहीं वीडियो, आपने ज़रूर बनाई होगी और मैंने पहले भी आपको बता दिया था। और ये चीज़ मैं आपको कम से कम 2-3 हफ्तों से ही बताता आ रहा हूं कि भाई पहले बना के रख लो। आप देख सकते हैं इस तरह से दो वीडियो अपलोड करने के बाद आपको नीचे आएगा कि मैक्सिमम अपलोड, नहीं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, नहीं तो रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। आप इधर देख सकते हैं इन्होंने बता दिया कि भाई आपको 15 दिन बाद अगर इनको अच्छा लगेगा तो ये आपको बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये है पूरा, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो गाइस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या आप अब सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो हो ही नहीं रहा, हमारा नेक्स्ट का बटन काम नहीं कर रहा या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमको, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको बस ट्राई करते रहना, यही सॉल्यूशन है। और वहीं बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या अगर हमने फॉर्म फिल कर दिया क्या दोबारा फिल कर सकते हैं, बाई चांस आपने गलत कर दिया हो, या फिर एक ही फॉर्म से 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं, 3 फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर ऐसा कर सकते हैं लोग पूछ रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना फॉर्म बार बार फिल कर सकते हैं। जैसे ऐसा होता है कि भाई आपने गलत फिल कर दिया या गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो दोबारा कैसे फिल कर सकते हैं, या आपके घर में 2 जने जाने वाले हैं ऑडिशन में तो फोन एक ही है घर में तो कैसे कर सकते हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो, अदरवाइज़ नहीं चाहते तो फिर रहने देते हैं। और अब आपको पता है कल यार सारे गामापा लिटिल चैंप के ऑडिशन आने वाले हैं भुवनेश्वर के अंदर, एड्रेस जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग सारे गामापा में जाना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।